नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाऊं एक 3 BHK फ्लैट द्वारका सेक्टर 8 जैसे वेसिनिटी मिलने वाली है आपको। द्वारका सेक्टर 8 मेन रोड से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर ये यूनिट रहने वाली है। सिंगल फ्लोर सिंगल यूनिट 120 यार्ड्स के अंदर बनी हुआ 3 BHK फ्लैट, 2 वॉशरूम, 1 लिविंग हॉल, 3 बेडरूम्स, 1 अमेजिंग साइज के अंदर किचन। और सबसे बड़ी बात, जो द्वारका सेक्टर 8 के अंदर बिल्डर है, सेम बिल्डर ने ये यूनिट राजनगर के अंदर बनाई हुई है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम द मेकर्स ऑफ डुप्लेक्स आपको ये वाला फ्लैट मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्राइस के ऊपर। प्राइस की अगर मैं बात करूँगा तो पूरी वीडियो को अंत तक का देखें, कभी भी बीच में कहीं पर भी किसी भी वक्त प्राइस आपको बता दिया जाएगा। बहुत अमेजिंग प्राइस जब भी प्रॉपर्टी का होता है तो आपको किससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? पार्क नहीं मिलेंगे आपको घर के आसपास, नहीं, यहाँ पे आपको वो दिक्कत फेस नहीं करनी है। बहुत ही अच्छे डिस्टेंस के ऊपर, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको पार्क मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगी, स्कूल क्वींस वैली जैसे स्कूल आपको एकदम वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारा द्वारका सेक्टर 8 का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी बहुत नज़दीक रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी राजनगर में है। गाइस, ये तो होगी प्रॉपर्टी के बारे में बातें। अब सबसे ज़रूरी बात आप लोगों के लिए, सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, नई है, पुरानी है, रेंट आउट करनी है, सेल आउट करनी है, लीज आउट करनी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, या फिर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है, किसी भी तरीके का उसके ऊपर एक्शन लेना है, डू कॉन्टैक्ट अस। बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स, बहुत क्विकली, बहुत टाइमली रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। नाउ इट्स योर टाइम टू डू दैट। सो गाइस, जैसे ही आप आएंगे ऊपर, लिफ्ट से ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आने के बाद फ्लैट के अंदर घुस जाएंगे। फ्लैट के अंदर घुस गए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, भाई फ्लैट के अंदर तो घुसा दिया, फ्लोर लेआउट क्या था? कुछ था ही नहीं, दिस इज दी ओनली फ्लोर। हाँ जी, डिस्पाइट बीइंग अ नॉन द्वारका प्रॉपर्टी आपको एक फ्लोर पे एक यूनिट मिलने वाली है। फ्लोर प्लान क्या रहेगा हमारा, फ्लैट लेआउट, जैसे ही आप एंटर करेंगे लिविंग हॉल, किचन एकदम एडजेसेंट आपको, वॉशरूम, बेडरूम नंबर 1 एंड बेडरूम नंबर 2 and 3 विद अटैच बालकनी एंड वॉशरूम एंड 1 बेडरूम। हाँ जी, इतना अमेजिंग, इतना प्यारा आपको हमारा फ्लैट का लेआउट मिलने वाला है। अब मैं आपको लिविंग हॉल के बारे में बता देता हूँ। लिविंग हॉल इज क्वाइट डिसेंट इन साइज। साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ लाइक 16 मिनिमम 16 फीट, 16 to 18 feet के रेंज के अंदर आपको हमारा लिविंग हॉल की लेंथ मिलने वाली है। उसी के साथ 16 feet वाइड आपको हमारा, 15 टू 16 फीट वाइड हमारा लिविंग हॉल मिलेगा। एक्शन वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं वॉलपेपर और वुडन का कितना प्यारा और कितना अमेजिंग और कितना सुंदर काम मिल रहा है। उसी के ऊपर सिंपल सटल फॉल्स सीलिंग का डिज़ाइन, विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रॉपर्टी जो हमने द्वारका सेक्टर 8 में शूट की थी, अगर आपको याद हो तो। क्यों? क्योंकि भाई सेम ही डेवलपर ने डेवलप किया है, कहीं ना कहीं तो वाइब आएगी। कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना अमेजिंग है, कितना प्यारा है। फ्लोरिंग वहाँ पे आपको कोई टाइल नहीं मिलने वाली है, इट्स प्योर मार्बल, मार्बल आपको लग के मिलने वाला है पूरे के पूरे फ्लैट के अंदर, सिर्फ यहाँ पे नहीं। इसी के साथ किचन में एंटर कर जाते हैं।
किचन अगेन क्वाइट डिसेंट इन साइज, इट इज अप्रोक्सीमेटली 12 फीट वाइड, 12 फीट चौड़ा किचन मिल रहा है आपको और 6 फीट लंबा उल्टा बोल दिया, 6 फीट चौड़ा 12 फीट लंबा आपको किचन मिल रहा है। वॉशिंग एरिया एकदम सेपरेट है विद गीजर, ऊपर वेंटिलेशन के लिए इतना बढ़िया विंडो, एग्जॉस्ट, 1, 2, 3, 4 एन नंबर ऑफ पैनल स्टोरेज के फॉर्म में, चिमनी प्री इंस्टॉल्ड, ग्रेनाइट का मार्बल लगा हुआ विद मोल्डिंग कट, एक बार आप देख सकते हैं कितना प्यारा कट यहाँ पे मोल्डिंग के फॉर्म में आपको ग्रेनाइट के ऊपर लग के मिल रहा है। उसी के साथ मॉड्यूलर किचन है, इतना प्यारा और इतना अमेजिंग, जस्ट फील इट। उसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रिज कहाँ पे रखोगे, दिस इज द प्लेस जहाँ पे आप फ्रिज रखोगे, उसी के एडजस्टमेंट इतना बढ़िया, इतना प्यारा है, फॉल्स वॉल है वुडन का जो कितना प्यारा लग रहा है देखने के अंदर। यहाँ से आप एकदम साइड में आएंगे और हमारे कॉमन वॉशरूम की ओर चलेंगे। सो कॉमन वॉशरूम में ऐसा क्या है भाई, कॉमन वॉशरूम में ऐसा ये है कि ये बहुत अमेजिंग साइज के अंदर बना हुआ है। साइज क्या है अमेजिंग, तो मतलब क्या बताऊं, इट इज लाइक 8 फीट लंबा आपको वॉशरूम मिल रहा है और 6 फीट चौड़ा, 8x5 या फिर 8x6 कह सकते हैं। हैंड वॉश एरिया ये रहा, इतना बढ़िया आपको लाइट्स एंड ऑल के साथ शीशा मिल रहा है प्री इंस्टॉल्ड। हैंड वॉश एरिया, पॉट एरिया, बेथिंग जोन, सब कुछ एकदम सेपरेट है। वेंटिलेशन के लिए हमारे पास शाफ्ट और गीजर ऑलरेडी लगा हुआ है। वॉल टू वॉल टाइल से कवर्ड है, टाइलिंग के अंदर भी कितना प्यारा काम यहाँ पे मोल्डिंग का हो रखा है अगर आप देखेंगे तो। सो छोटी सी चीज़ है लेकिन वी आर ऑब्वियसली बात है, छोटी छोटी चीज़ों से तो फ्लैट अच्छा और बुरा होता है ना। एक और चीज़, जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको पता लगेगा कि इसके अंदर एक सीक्रेट एंट्रेंस भी है जो कि हमारा कॉमन को अटैच वॉशरूम भी बना देता है। हाँ जी, दिस इज द बेडरूम। साइज कितना अमेजिंग साइज है, क्यों, 4 पैनल का वार्डरोब आपको ऑलरेडी एक रूम के अंदर, सिर्फ एक रूम के अंदर मिल रहा है। यूजली बिल्डर फ्लोर्स में सबसे बड़ी दिक्कत होती है वार्डरोब नहीं मिल रहा, वार्डरोब नहीं मिल रहा, वार्डरोब नहीं मिल रहा। हियर इज योर वार्डरोब, और क्या चाहिए यार जो मास्टर वॉल रहने वाली है, एक्शन वॉल कह सकते हैं या फिर हेड वॉल कह सकते हैं। हेड वॉल के ऊपर POP का इतना प्यारा मोल्डिंग वर्क मिल रहेगा आपको। ऊपर चले जाएंगे, सिंपल हमारा ऑल टाइम फेवरेट डिज़ाइन मेरा POP का विद कंसील लाइट एंड फैन एंड कोव लाइट प्री इंस्टॉल मिलेगा। फ्लोरिंग पे मार्बल लाइक ऑलवेज, वेंटिलेशन के लिए इतना बढ़िया शाफ्ट है। वेंटिलेशन के साथ साथ ये आपका वॉशिंग एरिया और स्टोरेज एरिया भी बन जाएगा। साइज बहुत अमेजिंग है, समवट अराउंड 8-10 फीट लंबा आपको वेंटिलेशन के लिए हमारा शाफ्ट मिल रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक रूम को वेंटिलेट करेगा। एंड दिस अमेजिंग, यहाँ से आप आगे आ जाएंगे और चलेंगे हमारे सेकंड रूम के अंदर। सो गाइस, ये भी सिमिलर तरीके की पेंट स्कीम से पेंटेड फ्लैट रूम है हमारा, ऑफ वाइट कलर, इतना प्यारा फॉल सेलिंग डिजाइन विद कंसील लाइट कोव लाइट फैन, फ्लोरिंग पर मार्बल, उसी के साथ 4 पैनल का वार्डरोब आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। स्टोरेज इतना भर के है ना यहाँ पे, कभी दिक्कत ही नहीं आ सकती आपको। साइज की भी मैं बात करूँ तो इट इज लाइक 12 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, कम से कम 12-10 का रूम होगा ये। अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी मिलेगा आपको, इस वॉशरूम के अंदर भी वॉल टू वॉल टाइल्स मिलेंगी, बेथिंग जोन सेपरेट है, पॉट एरिया, हैंड वॉश एरिया, शीशा आपको यहाँ पे भी लग रहा है सेम एग्जैक्ट सिमिलर तरीके का, जलता होगा ऐसे, मेरे को जलाना नहीं आ रहा। गीजर मिल रहा है, एग्जॉस्ट मिल रहा है, तीनों चीज आपको प्री इंस्टॉल मिल रही है। लेकिन सबसे अमेजिंग पार्ट पता है क्या है, इसके साथ हमें क्या मिल रहा है, दिस सबसे अमेजिंग चीज इज दिस, इतना बढ़िया बालकनी स्पेस मिल रहा है गाइस। हाँ जी, 10 फीट लंबा आपको बालकनी स्पेस मिल रहा है, 3-3.5 फीट चौड़ा भी कहूंगा तो गलत नहीं है। यहाँ पे आपको शीशे की रेलिंग लग के मिलेगी जो अभी नहीं लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, बीइंग एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इतना मिल जाता है। और इतना प्यारे फैंसी लाइट्स आपको ऊपर प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं, 2 आगे आएंगे। और एक और चीज़ अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैच डोर ऑलरेडी बिल्डर लगा के दे रहा है आपको, वो भी वुडन के अंदर। छोटी चीज़ है देखने में लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है, कोई हर कोई बंदा नहीं करता है। अटैच बालकनी स्पेस है आपका दूसरे बेडरूम के साथ भी, इनफैक्ट तीसरे बेडरूम में। साइज 12x10 का एक्सक्लूडिंग कैबिनेट्स, हाँ कैबिनेट्स को इंक्लूड कर देंगे, 14x10 का हमारा रूम हो जाएगा। 4 पैनल का वार्डरोब एज एन कैबिनेट आपको यहाँ पे भी प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। 3 रूम, 2 के अंदर 4 पैनल, 1 के अंदर 5 पैनल का वार्डरोब स्पेस, और इतना अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन, ग्राउंड के ऊपर फ्लोरिंग मार्बल की, ऑफ वाइट कलर से पेंटेड वॉल्स,
अगेन सबसे प्यारा डिजाइन मेरा फॉल सीलिंग के ऊपर कंसील लाइट फैन कोव लाइट प्रिंस्टॉल। सो गाइस दिस इज दी प्रॉपर्टी जो मैं आज आपको दिखाना चाह रहा था और बहुत अच्छे से दिखाई। बहुत कम यूनिट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे साइज के अंदर 120 गज के अंदर बना हुआ 3 BHK फ्लैट, दो वॉशरूम्स, द्वारका सेक्टर 8 से मात्र 200 मीटर की दूरी पे। प्राइस इसका रहने वाला है अप्रॉक्सीमेट 70 लाख के आसपास। हाँ जी सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 70 लाख रुपए। 200 मीटर उधर जाओगे 120 गज आपको मिलता है 1,25,00,000 रुपए का, 30 लाख रुपए का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 70 लाख रुपए में आप अपना बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा। रीजन बीइंग प्राइस फैक्टर अलॉन्ग विद लोकेशन विसिनिटी आपको पूरी की पूरी द्वारका सेक्टर 8 की मिलेगी, लेकिन एड्रेस आपको राजनगर का मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ दिस इतना अमेजिंग काम, जो बंदा आपको वहां काम कर रहा था एग्जैक्ट वही उसी तरीके का काम आपको यहाँ पे मिल रहा है बहुत कम प्राइस के अंदर। फिर भी अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी और क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया है, ऊपर लिखा हुआ प्रॉपर्टी कोड जो कि या और यहाँ ऐसे एक जगह पर लिखा होगा, नोट डाउन करके हमें कॉल कीजिए, तुरंत साइट विजिट बुक कराइए, फ्लैट बुक कराइए, और एल्स भूल जाइए, मिलना ही नहीं है। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया थारा।